आऊंगा। और जी दिंगला जी सब ठीक है? वेलकम सर। लोग राजेश महाजन जी और सिंगला जी, हमारे पंकज जी और साथ में भाई, अरे सर राइट साइड सर, आप पुस्तक भेंट करेंगे खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष। भारत गिरने पर मलबे में दबे जीवित लोगों को खोज निकालने में ये स्थान जो है जहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया है, ये सोलन शहर में एक अनूठा स्थान है जहाँ पर आज तक इतना आधुनिकीकरण हो जाने के बावजूद भी हरियाली जो है वो बची हुई है और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पेड़ पौधे जो है वो विद्यमान है। और आज ये जो वृक्षारोपण हुआ है, ये मैं समझता हूँ इस स्थान को जो है इसका जो महत्व है इस स्थान का, यहाँ पर और भी हरियाली जो है वो होगी, औषधीय पौधे जो है आज यहाँ पर जो उसका वृक्षारोपण जो है वो किया गया है। समय की मांग भी है, जिस तरह से वर्तमान समय में वातावरण को जो क्षति हुई है, तो ये क्षति जो है इसको हम तभी उलट सकते हैं जब हम व्यापक तौर पर वृक्षारोपण करें, हरियाली का जो है विस्तार हो। इस कारण से ही और इस वजह से ही जो है ये पर्यावरण की जो क्षति हमने पहुँचाई है, ये क्षति जो है वो दूर हो सकेगी। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि अब कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ने लगे हैं, जहाँ पहले अपेक्षित नहीं था कि वहाँ कोरोना के केसेस मिलेंगे, अब हमारे गाँव स्तर पर भी जो है ऐसे केसेस जो है वो आने लगे हैं। इसलिए मेरी अपील रहेगी सभी इस स्थान के निवासियों से, संपूर्ण सोलन के निवासियों से, कि ये जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग और 100% सैनिटाइजर का प्रयोग, ये जो तीन सूत्र हैं और इनका पालन जो है वो बहुत सख्ती से करें। यहाँ पर भी यही दृश्य जो दिखाई दे रहा है, मास्क को पूरा नाक के ऊपर रखना है। ये हिदायत जो है ये कोई आप कह लीजिए ये कोई आदेश नहीं है, ये हम सब के बचाव के लिए है। अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।